तो दोस्तों आज हमारी वर्कशॉप आई है FZ वर्जन 3 और आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है, सर्विस के ऊपर और जो एरर लाइट आती है इसकी उसके ऊपर। तो दोस्तों ये गाड़ी अभी 1-1.5 महीने पहले कहीं पर सर्विस हुई थी और उस मैकेनिक ने सर्विस करी और उसके बाद जो है इसमें कोड आ गया, मतलब सर्विस करा के ले गए वो और 2 दिन बाद ही इसमें कोड आ गया। ये देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है फिर भी इसका कोड जो है गया नहीं। तब उन्होंने मिस्त्री से कहा, मैकेनिक से, कि भाई ये कोड आ रहा है, ये किस कैसे हटेगा। तो उसने कह दिया, क्या नाम है भाई, ये तो कंपनी जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हमारी दुकान का उस बंदे ने, किसी ने उनको रेफरेंस दिया कि यहाँ इरफान ऑटो वर्कशॉप पे चले जाओ, वहाँ पर ये प्रॉब्लम तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारे पास गाड़ी आई है सर्विस के लिए, सर्विस का काम सारा हो चुका है इसके अंदर और अभी हमें क्या करना है, इसका जो लास्ट काम रह रहा है, इसमें जो एरर आ रहा है इसको ख़त्म करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये एरर कैसे ख़त्म होगा। मशीन लाओ। तो दोस्तों ये हमारी मशीन है जो इसका कोड ख़त्म करेगी। तो अभी हम इसके अंदर ही मशीन फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कोड कैसे ख़त्म करेगी, जो ये आपका एरर कोड आ रहा है। ये लीड लगेगी R15 सुजुकी वगैरह, ये 2-3 गाड़ियों में लगती है। तो ये वाली लीड हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो चुकी है हमारी लीड और हमारा डुअल टूल भी चालू हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा डुअल टूल है और ये आपकी एरर कोड आ रहा है। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे। और दोस्तों मैं सबसे जो अच्छी जानकारी है और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो ये कोड आ रहा है तो गाड़ी में कोई दिक्कत है। क्या होता है, मिस्त्री सर्विस करते हैं गाड़ी की, जैसे कोई कपलर वगैरह निकाल दिया, चाबी ऑन कर दी, तो वैसे भी ये कोड आ जाता है। अब गाड़ी में ना तो चलने में कोई दिक्कत है, ना बंद हो रही है, कोई भी परेशानी नहीं है, कस्टमर को कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बस ये कोड आ रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट होगा जब ये कोड आता है। अभी आप अगर जो कोई कपलर निकालोगे, चाबी ऑन कर दोगे, फिर उसके बाद लगाओगे तो ये कोड आ जाएगा। तो हमें इस कोड को इरेज करना है। तो इरेज कैसे करना है देखो आप। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है रीड्स कोड और इरेज कोड, तो हमें इरेज करना है। तो दोस्तों देखा आपने कोड जा चुका है इसका। और बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि ये जो हमारे पास किल स्विच है, बहुत सी गाड़ियों में हम इस कोड को किल स्विच से भी ख़त्म कर देते हैं और बहुत सी गाड़ियों में ये किल स्विच से नहीं ख़त्म होता, तो हमें इसकी मदद लेनी होती है। तो अब हम इसकी चाबी एक बार ऑफ करेंगे फिर उसके बाद ऑन करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कोड जा चुका है और ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। तो देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कोई कोड नहीं है किसी भी तरीके का और गाड़ी भी ओके। कोड थोड़ी देर के लिए दिखाता है फिर उसके बाद चला जाता है, लेकिन अगर जो कंटिन्यू आता है तो कोई प्रॉब्लम होती है या फिर बंदे ने, किसी मैकेनिक ने उसका कपलर निकाला और वापस लगाया तो इसमें कोड आ जाता है। अगर जो जब तक चाबी ऑन नहीं करता है जब तक कोड नहीं आएगा, अगर जो कपलर निकाल के तुमने चाबी ऑन कर दी तो कोड आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।